हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेशियल लेके आई हूँ जो आप किसी भी पार्टी से पहले, फंक्शन से पहले, फेस्टिवल से पहले या फिर वेडिंग से पहले कर सकते हैं। इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि मार्केट वाले फेशियल आप भूल जाएंगे। बस इसे आपको किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले करना है। कम से कम 6 से 7 घंटों पहले इस फेशियल को करें और उसके बाद शाम की पार्टी में सिर्फ आपकी ही बात होने वाली है। आपके ग्लो और आपके निखार की चर्चा होगी हर तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है दही, जो हमारी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका इफेक्ट, इसका ग्लो इतना अच्छा आता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। वीडियो पसंद आएगी गाइस तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है क्लेंजिंग, जिसके लिए हमें चाहिए 1 स्पून कर्ड यानी कि दही और थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे रोज़ वाटर। इससे हम अपने फेस को क्लेंज करेंगे। दोस्तों, फेशियल के पहले क्लेंजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फेस से डर्ट को और इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। तभी हमारे फेस पे फेशियल का अच्छा असर आता है और इसीलिए हम क्लेंजिंग करते हैं। जिस तरह से आप फेस वॉश से क्लेंजिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको करना है, हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में। इस फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है दही और दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए, यूथफुलनेस देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ही सस्ता और आसानी से मिलने वाला इंग्रेडिएंट है, जो आपकी स्किन पर मैजिक की तरह काम करता है। तो 1 से 2 मिनट तक इसी तरह मसाज करते हुए आपको अपनी क्लेंजिंग करनी है और उसके बाद वेट वाइप से इसे आप वाइप कर सकते हैं या फिर आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 इज स्क्रबिंग, जिसके लिए हमें लेना है 1 स्पून दही और हम लेंगे 1 पाउच ग्रीन टी का। आप यूज़ ग्रीन टी का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है और बहुत अच्छे से डेड स्किन को निकालता है आपकी स्किन से। इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए स्क्रबिंग कर लेते हैं। हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। किसी भी फेशियल में स्क्रबिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक आपके ब्लैक हेड, वाइट हेयर्स या इस तरह का डिस्कलरेशन आपकी स्किन से नहीं हटता है, तब तक फेशियल का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। और ब्लैक हेड्स, वाइट हेयर्स को रिमूव करने के लिए ग्रीन टी बहुत ही अच्छा सोर्स है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन को हटाता है, नए सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह आपको स्क्रबिंग करनी है। हमेशा याद रखिए कि स्क्रब आपको हल्के हाथों से करना है, बहुत रफ हैंड से नहीं करना है। सर्कुलर मोशन में करते हुए अपने टी जोन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए, जहाँ ज़्यादा ऑयल आता है और जहाँ ब्लैक हेयर्स और वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, इस तरह से आप मसाज करें और इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद एक सॉफ्ट टॉवल से अपने फेस को डैब डैब करके वाइप कर लें। स्टेप नंबर 3 इज फेशियल मसाज, जिसके लिए हम बनाएंगे मसाज क्रीम। 1 चम्मच दही लेंगे हम और 1 चम्मच लेंगे हनी यानी कि शहद। ये बहुत ही बढ़िया फेशियल क्रीम बनती है। इन सारे स्टेप्स में से मेरा फेवरेट स्टेप है ये, क्योंकि इसे जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे स्किन को मिला इतना ज़्यादा सूदनिंग इफेक्ट, इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बार दही और शहद को आप ऐसे भी लगा के देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन बिल्कुल फेदर टच हो गई है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सपल हो गई है। दोस्तों, फेशियल का अच्छा रिजल्ट तभी मिलता है जब आप अच्छे से मसाज करते हैं मसाज क्रीम से। यानी 15-20 मिनट्स आपको आराम से देना है इस फेशियल मसाज के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है, बट अगर आप 15-20 मिनट्स तक मसाज करेंगे तो आपके फेशियल का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। आपकी स्किन बिल्कुल शाइन करेगी, एक ग्लॉसीनेस आ जाएगा आपकी स्किन पे। अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से मसाज करना है, अपने सारे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है। हमेशा ध्यान रखें कि फेशियल में कभी भी डाउनवर्ड्स हमें मसाज नहीं करना चाहिए, अपने फेस को हमें लिफ्ट करना है। तो नोज से लेते हुए ऊपर तक आपको ऐसे करना है ताकि आपका फेस लिफ्ट हो। बहुत ही हल्के हाथों से करना है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, हमेशा बताती हूँ, इसलिए मेरा फास्ट लगता है आपको। आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है। फेस के साथ साथ अपने ईयर्स और नेक पे भी मसाज करें। अपने नेक पे भी सेम चीज़ें लगाएं जो आप अपने फेस पे लगा रहे हैं, ताकि दोनों का कलर सेम लगे। वीडियो में हम ये अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो जाता है। इस होममेड क्रीम का टेक्सचर है ही इतना अच्छा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मसाज करते हुए। बस लग रहा है कि करती ही जाऊँ, करती ही जाऊँ। और फेस पे शाइन तो आप देख ही सकते हैं।
अपने अंडर आई एरिया को भी बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल नेचुरल है ये, तो अपने आईज़ के आसपास भी आप लगा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। दही और हनी से आपके अंडर आई बैग्स भी कम होते हैं, आपके अंडर आई पफिनेस भी कम होती है और डार्क सर्कल्स भी दूर होते हैं। दोस्तों फेशियल करने का मेन मकसद, मेन मोटिव होता है हमारे फेस पे निखार और एक्स्ट्रा ग्लो जो डेली रूटीन में कहीं खो सा जाता है। इसके लिए आपको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करने के साथ साथ ये फिंगर टैपिंग मसाज भी ज़रूर देना चाहिए, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके फेस पे आता है रोजी ग्लो, एक अच्छी सी चमक, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है आपकी स्किन, ऐसा लगता है कि सारी थकान मिट गई है स्किन की। और ये स्टेप भी ज़रूर करें, आपके आईज़ को भी बहुत आराम मिलेगा। इस तरह से नोज से लेते हुए ऊपर की तरह अपने हैंड्स को ले जाएं और अपलिफ्ट करें अपने फेस को ताकि आपकी स्किन सैग ना हो। तो मुझे 15 मिनट्स हो चुके हैं मसाज करते हुए, अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। सो द लास्ट स्टेप इज फेस पैक, जिसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन, दही और बेसन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और हम लेंगे 1 चम्मच रोज़ पेटल पाउडर। इस तरह से आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर घर में गुलाब की पत्तियों को सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। रोज़ पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, बहुत ठंडक देता है, एक रोज़ी ग्लो देता है हमारी स्किन को। और मैं इसमें डालूंगी रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल, जितना हमें चाहिए एक थिक कंसिस्टेंसी में बनाने के लिए। चलिए इस फेस पैक को अब अप्लाई कर लेते हैं। एक ब्रश की हेल्प से अच्छी सी थिक लेयर अप्लाई कर ले अपने फेस पे, आप चाहें तो अपने फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। दोस्तों जब आपकी स्किन रिलैक्स होती है, अच्छा फील कर रही होती है, ऐसा फील कर रही होती है कि आप कुछ सूदनिंग सा, कुछ अच्छा सा लगा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होती है। और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कामनेस है, हैप्पीनेस है इसको लगाने पे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये देता है। और इस वक्त ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ठंडक दे रहा है, जो अच्छा लगता है एक मसाज के बाद, सूदनिंग सा लगता है, आराम सा मिल जाता है। इवनली इसे लगा लें आप अपने फेस पे और नेक पे भी लगा लें साथ ही साथ। मैं नेक को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो के लिए थोड़ा सा मेसी हो जाता है, मैंने जैसे बताया आपको। अप्लाई करने के बाद हम इसे ड्राई होने देंगे 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। तो दोस्तों मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। एक सॉफ्ट टॉवल से डैब डैब करके अपने फेस को हमेशा वाइप करें, रगड़ी नहीं, बहुत रफली नहीं हैंडल करें। फेस पे ग्लो तो आप देख ही सकते हैं, इंस्टेंट ग्लो आपको दिखेगा इस फेशियल के बाद, और यही है दही की खासियत। 5 से 6 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो और भी अच्छा ग्लो और भी अच्छा निखार आपको नज़र आएगा। 1 से 2 दिन आप फेस वॉश या सोप का यूज़ ना करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। मेरे चीक्स पे और मेरे नोज़ पे शाइन आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा इस फेशियल को, आप भी फ़ैन हो जाएंगे इसके। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान सा DIY फेशियल है ये, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर पे मिल जाएंगे और इसका ग्लो इतना अच्छा आएगा जैसे आप पार्लर से कोई महंगा फेशियल करा के आ रहे हो। तो इसे ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये फेशियल, कैसा रिजल्ट आया आपकी स्किन पे। वीडियो पसंद आई है गाइस तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।